ऐसी मिठाई बनेगी कि आप खाते ही रह जाओगे और आपके जीव में ना महीना स्वाद नहीं जाएगा। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आपका पूनम जादन ब्लॉग में। आज मैं लेके ऐसी मिठाई लेके आई हूँ स्वीट्स जो घर पे आसानी से बन सके और जो मार्केट से भी स्वाद में कम ना हो। तो चलते हैं हम किचन में, स्टार्ट करते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई बार चाशनी बच जाती होगी, उसी चाशनी से आज बनाएंगे ऐसी मिठाई। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे लेकिन बनेगी बहुत ही शानदार। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पर लिए हमने 8 व्हाइट ब्रेड, लेकिन आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी बना सकते हैं। सबसे पहले इनको काटेंगे। काटने का तरीका, हमने एक गिलास लिया है, उसके बीचों बीच से रखेंगे और दबा देंगे और दो हम एक एक करके काटेंगे इस तरीके से। और दीजिए देखो, इस तरीके से काटेंगे। ऐसे ही हम आटो ब्रेडों को काट लेंगे और इसका जो बुरादा बचेगा उसको भी हम यूज करेंगे। जैसे कि हम केक बनाएंगे उसको चाशनी में यूज करेंगे। और जो ताजी ब्रेड होती है उसके नॉर्मल तरीके से निकल जाता है अच्छे तरीके से। मेरे पास कटर नहीं है, आपके पास कटर होता आप चाहो कटर से काट लेना। हमने भी इसका इस्तेमाल किया, सावधानी से इसे निकाल लेंगे। नाइफ से जो हमने निकाल लिए, इसका ब्रेड मैक बनाना चाहिए। इसका घेवर की चाशनी में यूज करेंगे। खुली हुई चीनी का इस्तेमाल ना करें, पैकेट वाली चीनी का इस्तेमाल करें। पानी कितना डालना है, हम चाशनी बनाते हैं। जितना हम पानी लेंगे उतनी ही चाशनी लेंगे हम। एक मेजरमेंट है हमारा, एक कप पानी एक कप चीनी। हमने एक कप चीनी ली है, इसमें एक कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। हमारी चाशनी बन रही है। एक बार की चाशनी मतलब चुपकने, इतनी चाशनी बनेगी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। डालने से उसकी जो थिंकिंग मतलब ऐसी हो जाती है, एक तार की बोलते हैं कि एक तार की चाशनी हमें इतनी चाहिए कि हमारी चुपकने लग जाए। हमें ऐसी चाशनी इसे यूज करनी है। केस कलर के लिए इसमें केसर डाल दिया है और जैसे हमने इलायची डालेंगे खुशबू के लिए तो वो बंद हो जाएगी, उसके बाद इलायची का कुछ डालेंगे। मैंने 10-5 इलायचियों का पाउडर बना लिया। देखो इसको कितना बबल्स निकल रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी कंप्लीट होने वाली है। और चाशनी का जब हमें पता चलता है कि पक कैसी गई है तो थिक हो जाती है और हमें थिक चाशनी चाहिए। अभी नहीं हुई है हमारी थिक चाशनी। कलर आ गया इसमें, 10 मिनट हो चुकी है हमारी चाशनी में बनने में। हमारी चाशनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। और इसमें जब हमने इलायची का ना, जब भी कभी कुछ भी बनाओ तो ताजा इलायची, हमने 5 इलायचियों को इसको खलर में कूट लिया है। इससे ना बहुत सोनी खुशबू आती है। और चाशनी गैस बंद हो जाए उसके बाद ही इलायची पाउडर डालना चाहिए। अब हम इसके स्टेपनिंग की तैयारी करते हैं। स्टेपनिंग की तैयारी करते हैं, उसमें हमने 2 चम्मच मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो फ्रेश क्रीम यूज कर सकते हो, 3 चम्मच है। अब हम
हम इसमें ना ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो मैंने चॉप कर रखे थे, और इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। और इसमें 10 बादाम है जिनको मैंने अच्छे से काट कर लिया है, और किशमिश है, और 10 काजू है। और हम इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास किशमिश है वो भी ऑलरेडी मीठी है, और जो मिल्क पाउडर है वो भी ऑलरेडी मीठा है। इसकी स्टफिंग हो गई रेडी। चाशनी को ठंडा होने दें। स्टेपनिंग हमारी हो गई है तैयार। बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी मिठाई बनेगी, एक बार जरूर ट्राई करें। चाशनी हमारी अभी ठंडी हुई है, अब बनाते हैं मिठाई जिसमें जो हमने सब ड्राई फ्रूट्स मलाई जो सब रखा था उसे अच्छे से तैयार करेंगे। तैयार हो चुका है, अब हम इसे डिप कर देंगे चाशनी में अच्छे से। और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमने रख लिए ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है, और हमें नारियल का बुरादा चाहिए, वो हमारे पास है, वो भी रखा है। अब ये चाशनी ठंडी हो गई है, अब हम बनाते हैं एक सुंदर सी मिठाई जो बिना गैस चलेगी। अब बनाते हैं मिठाई जिसमें जो हमने सब ड्राई फ्रूट्स मलाई जो सब रखा था उसे अच्छे से तैयार करेंगे। तैयार हो चुका है, अब हम इसे डिप कर देंगे चाशनी में अच्छे से। अब हम इसे गार्लिक के बुरादे में लगा देंगे, और इसे हम हल्के से ड्राई फ्रूट के साथ सर्व करेंगे। ऐसे ही हमें आटा को रेडी करना है। जो स्टेपनिंग इसकी स्टेपनिंग लगा दी, इसके ऊपर दूसरा स्लाइस डाल दिया। कितनी छोटी छोटी लग रही है, ऐसे ही हमें आटो को तैयार करना है। डिप कर दिया चाशनी में, उसे भी अच्छे से डिप करना है इस तरीके से। अब इसको बुरादे में लगा देना है। बस इसको ड्राई फ्रूट के साथ देखो फ्रेंड्स, हमारी मिठाई कंप्लीट है। और देखने में इतनी चौड़ी लग रही तो खाने में कैसी चौड़ी होगी। और इसे हम कट करके देखते हैं। इतनी शॉर्ट बनी है, कोई जवाब नहीं इसका, बहुत शॉर्ट है। फिर से हम अच्छे से कोई रेसिपी लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।